एवरीवन, आज जो टॉपिक हम लॉ ऑफ टॉट्स में कवर करने जा रहे हैं वो है जनरल डिफेंसेस का टॉपिक. सो डिस्कस एनी जनरल डिफेंसेस अंडर द लॉ ऑफ टॉट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जनरल डिफेंसेस अवेलेबल कौन सी पार्टी को होते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई टॉट कमिट हुआ है सो द पर्सन विल गो टू द कोर्ट. वहां पे एक पार्टी होती है प्लेंटिफ एंड द अदर पार्टी इज डिफेंडेंट. अदर पार्टी इज डिफेंडेंट. सो प्लेंटिफ वो पार्टी होती है हु क्लेम्स टू बी द सफरर इन द कोर्ट एंड डिफेंडेंट वो पार्टी होती है जिसको अक्यूज्ड बोला गया है कोर्ट में, हु इज अ रॉन्ग डूअर. सो अक्यूज्ड, नाउ दीज डिफेंसेस वो उस अक्यूज्ड को ही अवेलेबल होते हैं ताकि वो अपनी लाइबिलिटी से बच सके, ताकि कोर्ट उसको कंपेल ना कर सके कंपेंसेशन देने से. सो अब वो कौन कौन से डिफेंसेस होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट उसके पहले कुछ डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा जनरल एंड स्पेसिफिक डिफेंसेस के बीच में. जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं और स्पेसिफिक डिफेंसेस क्या होते हैं. सबसे पहले, स्पेसिफिक डिफेंसेस आर पिक्यूलियर टू सम पर्टिकुलर रॉन्ग्स. कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जो कुछ पर्टिकुलर रॉन्ग्स के पार्ट पे ही अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल, डिफेमेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे फेयर कमेंट का एक डिफेंस होता है जो सिर्फ आप डिफेमेशन के केस में ही मांग सकते हैं, नहीं तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा. ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं जनरल डिफेंसेस की तो ये किसी भी रॉन्ग के लिए लिए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हो गया, एक्ट ऑफ गॉड या विस मेजर हो गया, इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, सो दे आर अवेलेबल टू ऑल द रॉन्ग्स इन जनरल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंटी नॉन फिट इंजूरिया. अगर हम बात करें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की, तो इन सिंपल वर्ड्स इट इज नोन एज द डिफेंस ऑफ कंसेंट. डिफेंस ऑफ कंसेंट बोलते हैं हम इस पर्टिकुलर डिफेंस को. इसको कंसेंट इसलिए बोला जाता है कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट, अगर डिफेंडेंट कोर्ट में ये साबित कर दे कि इट इज द प्लेंटिफ जिसने उस हार्म को सफर करने के लिए अपनी कंसेंट खुद दी थी, देन यहां पे डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी से एस्केप कर सकता है. व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स द इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ, ही हैज नो रेमेडी फॉर दैट. हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम. यहां पे जो प्लेंटिफ का जो कंसेंट उसने दे दिया था, जो वॉलेंट्री कंसेंट था, बट यहां पे कंसेंट जो है वो फ्री भी होना चाहिए. जो हम बेसिक कंसेंट की जो फ्रीनेस पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, विदाउट कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो सारे एसेंशियल्स यहां पे फुलफिल होने चाहिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की जो मैक्सिम है वो में हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ता है. टू पॉइंट्स टू बी प्रूव्ड. यहां पे सबसे पहली चीज जो हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि द प्लेंटिफ न्यू द रिस्क. प्लेंटिफ को यह बात पता थी कि आई एम गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू अ पर्टिकुलर रिस्क, तभी उस रिस्क को जानते हुए उसने वॉलंटरली अपनी कंसेंट दी, विच इज द नेक्स्ट एसेंशियल, दैट इज ही नोइंग द सेम अग्रीड टू सफर द सेम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं मैक्सिम ऑफ साइंटी नॉन फिट इंजूरिया की, दिस इज अ सब पार्ट ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जो ये कहता है कि मियर नॉलेज इज नॉट कंसेंट. सिर्फ अगर मुझे ये बात पता है कि आप की ऐसा कोई रिस्क है, दैट नॉलेज डज नॉट कंप्लाई माई कंसेंट. सो दैट इज वाई नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट इक्वल टू कंसेंट. दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ साइंटी नॉन फिट इंजूरिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफेंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिफेंस ऑफ विस मेजर और एक्ट ऑफ गॉड. नाउ व्हाट एक्चुअली विस मेजर ऑफ एक्ट ऑफ गॉड मींस इज दैट कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अननेचुरल सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट. इसमें डिफेंडेंट का कोई रोल नहीं होता है, डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं होगा. ही हैज एक्सरसाइज्ड प्रॉपर केयर एंड कॉशन, बट देन टू एक्सीडेंट अकर्स. उस केस में क्या डिफेंडेंट लाइबल होना चाहिए? तो आंसर इज नो. इसको देखते हैं एक बार. एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस विच कुड नॉट बी फोरसीन. अब यहां पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं उसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका फ्लड हो गया, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, नॉर्मल रेनफॉल इसके अंदर नहीं आता है, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया. ये सारे पॉइंट आपके कवर होते हैं एक्ट ऑफ गॉड की वजह से.
क्योंकि ये अनफोर्सीन डैमेज क्रिएट करते हैं जिसमें डिफेंडेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, ये नेचुरल इवेंट से ड्राइव होते हैं. सो इट इज एन एक्सीडेंट ड्यू टू द नेचुरल कॉज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. और यही पार्ट आता है आपका एक्ट ऑफ गॉड या विस मेजर में. इसमें एक बहुत फेमस केस जो आपको रेफर करना पड़ेगा, दैट इज निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का केस है. ये केस हम अलग अलग पॉइंट पे टॉट्स में पढ़ेंगे, भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पढ़ेंगे, यहां पे भी पढ़ेंगे. नाउ मूविंग फर्दर, डिफेंस इज प्राइवेट डिफेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट डिफेंस, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन और जनरल एक्सेप्शन इज गिवन अंडर आईपीसी एज वेल, पर टॉट में भी दूसरी तरह से काम करता है. सिंपल सी बात है कि अगर आई फील क्या है कि मेरे ऊपर कोई हार्म होने वाला है, तो मैं अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आई कैन टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स. दैट इज द लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वन्स ओन प्रॉपर्टी और पर्सन. इफ द डिफेंडेंट यूजेस अ फोर्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस, ही विल नॉट बी लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड. सपोज मुझ पर कोई आके अटैक करता है, तो अगर मैं अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई भी रीजनेबल फोर्स यूज करती हूं. अब यहां पे जो टर्म हमें समझने की जरूरत है, दैट इज रीजनेबल फोर्स. इसका सिंपल सा मतलब होता है कि फोर्स कैन नॉट बी एक्सेसिव. फोर्स कैन नॉट बी एक्सेसिव कि अगर कोई मुझे पत्थर से मारने आए तो मैं उस पर गोली नहीं चला सकती, बिकॉज दैट विल बी एक्सेसिव फोर्स. सो सिर्फ हम प्रोपोर्शनेट मैनर में ही फोर्स यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इस डिफेंस का, वो ये है कि देयर शुड बी इमिनेंट थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी और प्रॉपर्टी. जब हम इमिनेंट थ्रेट की बात करते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि तुरंत. ऐसा नहीं कि वो हमें कॉल पे करके बोल रहा है कि हम आपको मारने आ रहे हैं, ये इमिनेंट थ्रेट नहीं है. कोई मुझे तुरंत ही, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा मैं फियर कर रही हूं कि मुझ पे तुरंत ही कोई फोर्स यूज करने वाला है, मुझे हार्म कॉज करने वाला है, तो ही मैं प्राइवेट डिफेंस यूज करूंगी. नाउ कमिंग टू द लास्ट डिफेंस, दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट अंडर टॉर्ट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीसी, वहां पे एक्सीडेंट दिया हुआ है सेक्शन 80 के अंदर सिर्फ, लेकिन टॉर्ट्स के अंदर इट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट. जब हम इनएविटेबल एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, सो देयर आर सर्टेन एक्ट्स जो कि अनफोर्सीन होते हैं एंड अनअवॉइडेबल होते हैं, जो कि आपके अनफोर्सीन होते हैं एंड अनअवॉइडेबल होते हैं. डिस्पाइट कि डिफेंडेंट ने अपने पार्ट पे प्रॉपर ड्यू केयर एंड कॉशन ली थी, फिर भी ड्यू टू सच सर्टेन अनफोर्सीन फैक्टर्स वो एक्सीडेंट हो गया, तो यहां पे क्या उस बेचारे डिफेंडेंट को लाइबल करना सही होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ? द आंसर इज नो. एक बार इसको देखते हैं. एन इनएविटेबल एक्सीडेंट इज द वन विच कुड नॉट बी पॉसिबली प्रिवेंटेड बाय ऑर्डिनरी कॉशन केयर एंड स्किल. इट मींस एन एक्सीडेंट विच इज फिजिकली अनअवॉइडेबल. एक अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट के लिए जहां पे डिफेंडेंट की कोई गलती ही नहीं थी, तो कोर्ट प्लेंटिफ के पार्ट पे कंपनसेशन भी अवार्ड नहीं करेगा. टू सम अप, एक जनरल क्वेश्चन बच्चों के मन में राइज होता है कि जब यहां पे भी एक्सीडेंट की बात हो रही है एंड एक्ट ऑफ गॉड में कुछ सिमिलर सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, सो बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट? सो द टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्ट ऑफ गॉड वर्सेस इनएविटेबल एक्सीडेंट. जो बेसिक डिफरेंस है एक्ट ऑफ गॉड इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर, कि एक्ट ऑफ गॉड में आपके नेचुरल फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, सच एज रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया आपका, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, टोर्नेडोज हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ये सारे फैक्टर्स आपके आते हैं इन एक्ट ऑफ गॉड. बेसिकली जिन ऐसी चीजें जिसमें मैन मेड इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ह्यूमन इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता. लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट की जब हम बात करते हैं, वहां पे जो एक्सीडेंट कॉज हो रहे हैं उसमें आपके एक्ट ऑफ गॉड या ह्यूमन इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट होता है. इट इज जस्ट दैट कि यहां पे डिफेंडेंट अपने पार्ट पे ठीक था, उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन किया, लेकिन कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गई जो वो अवॉइड नहीं कर पाया. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.